दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का। ये एपिसोड हमारा डेडिकेटेड है उन सभी महिलाओं को, नारी शक्ति को, उन युवतियों को, उन बालिकाओं को जो कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है और समाज में एक आदर्श उदाहरण करके सामने आती है। ऐसे ही एक सक्सेसफुल डॉक्टर से मिलवाने के लिए हम आपको नागपुर में श्रीखंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में लेके आए हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंड इनसे और शुरू करते हैं हमारा सफर जीरो से हीरो तक का। डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे आज हजारों परिवारों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। बच्चे न होने में 40% पुरुष और 40% स्त्री और दोनों भागीदारों के साथ जटिलताओं से 20% कारणीभूत हैं। भारत में 30 लाख जोड़े बांझपन से ग्रस्त हैं। इन्हीं लोगों की काउंसलिंग करने का काम डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे विगत 25 सालों से कर रही हैं। आज भारत के साथ साथ कई विदेशी संतानहीन दाम्पत्यों के जीवन में संतान सुख देने का महान काम डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे कर रही हैं। संतान प्राप्ति के लिए जितनी भी विश्व भर की अद्यावत तकनीकें चिकित्सा के दुनिया में है, वे डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे इन्होंने उनकी पढ़ाई की और वे सारी चिकित्सा प्रक्रियाओं को नागपुर में श्रीखंडे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक ही जगह मुहैया करवा रही हैं। अपने वैद्यकीय कैंप्स के जरिए डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे निसंतान दंपतियों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। तो आइए दर्शकों, बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंड से। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। स्वागत मैम। जैसे कि हम जानते हैं कि नागपुर में एक बहुत बड़ी क्रांति आप कर रही है, बहुत से परिवारों तक सुख समृद्धि और खुशहाली वापस लौटा रही है उनके परिवार में संतान के रूप में, जैसे कि हम जानते हैं। पर आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता? हमारा बचपन नागपुर में ही बीता, हम यहीं पे पैदा हुए हैं और यही हमारी कर्मभूमि है। मतलब यही से सब कुछ शुरुआत हुई। तो परिवार में कितने लोग थे आपके? परिवार में हमारा भरा पूरा परिवार है, माता पिता और हम 5 भाई बहनें हैं। सबसे बड़ी हमारी बहन है, फिर दूसरे नंबर पे भाई है, तीसरे नंबर पे हम हैं और हमसे 2 छोटे भाई हैं। मतलब पला फूला अच्छा परिवार था। परिवार तो फिर पिता क्या करते थे, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या काम करते थे? हमारे पिता जो थे वो पहले तो एक दुकान में नौकरी करते थे, धीरे धीरे उन्होंने वो व्यवसाय सीख लिया और अपनी छोटी सी दुकान डाली, आज उनकी अपनी अच्छी बड़ी दुकान है। मतलब वहाँ काम करते करते उन्होंने एडॉप्ट कर लिया कि फिर वही कौन सा व्यवसाय करते? कवेलू का व्यवसाय था, वो उन्होंने सीख लिया काम करते करते और फिर उसी में उन्होंने अपनी दुकान डाल ली। मतलब पर 5 भाई बहन, 7 लोग एक साथ रहते थे, तो फिर सबको मतलब बराबर खाने पीने की व्यवस्था होती थी कि मतलब खुशहाली थी घर पर? घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोग गरीब वर्ग से बिलोंग करते थे, पर घर में खुशियां जरूर थी क्योंकि हमारा भरा पूरा परिवार था, 5 भाई बहन थे, माता पिता थे, हम लोग खुशी से रहते थे पर गरीबी में रहते थे। पर एजुकेशन चल रहा था बड़ी बहन का या फिर आपके भाई का? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बहुत ही रूढ़ीवादी घर से बिलोंग करती हूँ मैं, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना ये उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। तो जो हमारी बड़ी बहन थी वो तो मुझसे 11 साल बड़ी हैं, तो उन्होंने 10वीं तक ही पढ़ाई की है, उसके बाद में उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। दूसरा भाई जरूर स्कूल जाता था और उसके बाद में हमने स्कूल जाना शुरू किया। तो फिर आपके परिवार से सपोर्ट था आपको स्कूलिंग के लिए कि नहीं था? नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब वर्ग से थे, घर में काम करने का बहुत प्रॉब्लम होता था, तो पिताजी को लगता था कि भाई लड़की स्कूल ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर ये स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा। तो हमारे जो परिवार में बाजू में रहते थे वो स्कूल में टीचर थे, तो एक दिन वो ज़बरदस्ती हमारी उंगली पकड़ कर ले गए और उन्होंने अपने ही स्कूल में हमारा एडमिशन करवा दिया और वहाँ से हमारा शिक्षण का जो सफ़र है वो चालू हुआ। मतलब पिता ने तो विरोध किया था कि बच्चे लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, मतलब आप नहीं पढ़ोगे। हाँ, लड़कियां तो नहीं पढ़ेगी। आपके नेबर्स ने हेल्प की और आपको एक शिक्षण स्कूली जीवन की आपकी शुरुआत हो चुकी थी। पिताजी को जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि लड़के जो है, 3 भाई थे हमारे, तो तीनों भाई में से एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और एक वकील बने। मैम, फिर ऐसा कहा जाए कि आपके पड़ोसी ही आपको अच्छी तरीके से असली माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे आपके स्कूली जीवन को शुरुआत करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं? माँ बाप की भूमिका तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभा रहे थे और एक अच्छे सोशल वर्कर की और एक अच्छे टीचर की भूमिका उन्होंने जरूर निभाई, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर होने का फर्ज अदा किया कि हमारे बाजू के परिवार की लड़की पढ़ना चाहती है पर परिवार वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती पिताजी के विरोध के बावजूद वो एक दिन ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के स्कूल ले गए और वहाँ पे उन्होंने हमारा एडमिशन करवा दिया। स्कूली जीवन में काफ़ी पढ़ाकू थी, मतलब होशियार थी। मुझे पढ़ने का बहुत 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 शौक था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने पैर पर खड़े हो जाऊँ।
हालांकि पिताजी नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़े, क्योंकि वो तो भाई को डॉक्टर बनाना चाहते थे, एक को वकील और एक को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़े। फिर 10th तक आप कंटिन्यू पढ़ाई आपकी शुरू रही उस स्कूल में? हाँ बिल्कुल, वो जमाने में हमें ट्यूशन क्या होती है विप्लव बिल्कुल पता नहीं था। ट्यूशन का तो सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि घर में स्कूल जाने के पहले हम लोग पूरे घर का काम करके अपना खुद का डब्बा बना के अपना टिफिन लेके पैदल 4 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करते थे, घर आने के बाद फिर से माताजी का हाथ बटाते थे, पूरा घर का काम करते थे। रात को 10 बजे के बाद में किचन में बैठ के 40 वाट के बल्ब में दरवाज़ा लगा के रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते थे, ताकि वो किचन की लाइट से घर वालों की नींद ख़राब ना हो, क्योंकि पिताजी को दूसरे दिन दुकान में काम करना था। घर बहुत छोटा था, 2 खुलियों का ही घर था, तो दिन तो बहुत कठिनाइयों वाले थे, पर जो एक हौसला था वो बहुत बुलंद था कि हमें पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है, और डॉक्टर होने की चाह जो थी वो मन में बहुत बचपन से ही थी। तो फिर 10वीं के बाद आपका शुरू रहा सफर अच्छा रहा कि क्या हुआ, पढ़ाई शुरू रही नहीं रही, कैसा? 10वीं में तो हम मेरिट में आए थे, पर 10वीं पास होने के बाद फिर से पिताजी ने कहा कि भाई अब लड़की 15 साल की हो गई है, तो अब तो ये आगे नहीं पढ़ेगी, क्योंकि हम कॉलेज में नहीं भेजना चाहते, लड़कों के साथ में नहीं पढ़ाना चाहते। घर में सिलाई बुनाई, तभी बहुत फैशन था कि लड़कियां सिलाई बुनाई कढ़ाई सीखती थी और उनकी शादियां कर दी जाती थी, तो वो बोले बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो हम तो जैसे पढ़ना चाहते ही थे, स्कूल के टीचर्स के पास गए, उनके आगे रोना धोना किया। तो हमारी जो दुकान थी वो बिल्कुल स्कूल के सामने थी, तो हमारे सारे स्कूल के टीचर्स थे। उसमें से मैं जो सबसे ज़्यादा धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ वो है हमारे गांधी सर, जो मेरे हमें बायोलॉजी पढ़ाते थे और हमारे क्लास टीचर थे। जाके उन्होंने दिन भर पिताजी की दुकान में धरना दिया, साथ में और टीचर्स को लेके गए। किसी तरह उन्होंने पिताजी को मना लिया कि भाई इसको स्कूल कॉलेज में भेजना है। पिताजी ने कहा ठीक है भेज देंगे, बिंजाणी कॉलेज में भेज देंगे, कॉमर्स में लड़की को बीकॉम करवा लेंगे। लड़कियों का स्कूल था, लड़कियों का कॉलेज था। फिर से दूसरे दिन जाके स्कूल में रोना धोना मचाया हमने, फिर से हमारे सारे टीचर्स गए, पिताजी के सामने धरना दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी लड़की मेरिट में है, इसको तो आपने साइंस ही पढ़ाना चाहिए। किसी तरह उन्होंने पिताजी को मनवा लिया कि इसको आप हिस्लॉप में डालेंगे, क्योंकि उस जमाने में हिस्लॉप नंबर 1 कॉलेज थी साइंस के लिए। तो उन्होंने हाँ बोला और इस तरह फिर हमने हिस्लॉप से 11th 12th किया। तो फिर मतलब हर बार कोई ना कोई आपको मदद कर रहा था एजुकेशन में आगे ले जाने के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। बिल्कुल। अब फिर उसके बाद डॉक्टर बनने की जैसे चाहते आपके, क्या इस बार पिता राजी हो गए थे? नहीं, अब तो राजी होने का सवाल ही नहीं होता। 17 साल के हो चुके थे, तो आपको तो पता है कि अब तो लड़की ने सिलाई बुनाई सीखना चाहिए, साड़ी पहनना सीखना चाहिए, घर के सारे काम और अच्छे से सीखना चाहिए, और शादी तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि 18 साल में मारवाड़ियों में तभी लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी। हम तो 12th में भी मेरिट थे, हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल सहज मिल रहा था, एकदम इजीली मिल रहा था। हमारे ही समाज के एक व्यक्ति थे श्री विष्णु जी, जब उन्हें समझा कि किशन लाल जी अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो दिन दिन भर पिताजी के दुकान में बैठ के उनका ब्रेन वॉश करते थे कि आप इतनी मूर्खता न करें, आपकी लड़की को एडमिशन मिल रहा है, लोगों को तो एडमिशन नहीं मिलता नहीं है। इजीली तो भी नहीं मिलता, उन्होंने उनका तो बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल है। किसी तरह उन्होंने पिताजी को मनवा लिया, तो घर में बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, स्टार टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि आप ट्यूशन नहीं जाओगे, 5 बजे के पहले घर आ जाओगे, अंधेरा होने के पहले घर आओगे, पूरा घर का काम करोगे, और उसके बाद में रूल्स की लिस्ट के साथ में एडमिशन के लिए मंजूरी मिल गई थी, और आपका इस तरह MBBS बनने का सफर शुरू हो चुका था। शुरू हुआ। फिर क्या इजीली MBBS हुआ? परिवार से वो सारी चीजें मिल रही थी फिर भी नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हम तो 7 लोगों का परिवार था, घर में नौकर चाकर होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग खुद ही बहुत गरीब वर्ग से बिलोंग करते थे। तो सुबह 5 बजे उठते थे, पूरे घर का खाना बनाते थे, 7 बजे अपना टिफिन बना के साइकिल से जो मेडिकल कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था, सारे वो बहुत ईजी प्रवास नहीं था, पर जहाँ आपके हौसले बुलंद हो वहाँ पर आपको जो मंजिल चाहिए वो आप पा ही लेते हो। तो वही हमारा हाल था, हमारे हौसले बहुत बुलंद थे, हमें पढ़ना ही था, पढ़ना ही है, हमें डॉक्टर बनना ही था। आप शायद ये देख रही होगी कि मेरी माता की हालत कैसी है, yes. बहन की क्या हालत हुई, वो पढ़ाई है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है, मेरा फ्यूचर बना सकती है, क्या ऐसा चाहती थी आप? वुमेन एम्पावरमेंट जैसा कह सकते हैं। यस, यू कैन कॉल मी अ रिबेल, पर मुझे लगता था कि पढ़ाई ही है जो एक लड़की का भविष्य उज्जवल कर सकती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी हालत मेरी बड़ी बहन जैसी हो या मेरी माता जैसी हो, जो कि वो हाउसवाइफ्स थे। मैं अपने पैरों पर खड़े रहना चाहती थी, और वो जो जिद थी वो मुझे हर बार आगे ही आगे ले जाने के लिए हेल्प भी कर रही थी, मदद कर रही रूप थी। से आपको मदद मिल ही रही थी। मदद मिल रही थी। मैम आपके MBBS हो चुकी थी, उसके बाद आपने इंटर्नशिप कहाँ की?
इंटर्नशिप हमारे वक्त में 6 महीना सावनेर के लिए कंपलसरी रूरल पोस्टिंग होता था और 6 महीना अभी भी जाना पड़ता है, 6 महीना कंपलसरी रूरल पोस्टिंग था और 6 महीना मेडिकल कॉलेज में ही था। तो फिर उसके बाद आपने एमडी करने का सोचा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस करके तो आप कुछ कर नहीं पाते हो, आपको एक स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो हमारी तो जो चाह थी वो ऑब्स्टेट्रिक गायनिक में ही थी, क्योंकि हम स्त्रियों के ही क्षेत्र में काम करना चाहते थे। आपका रुझान उसी तरफ था कि मुझे औरतों के लिए मेरा जीवन समर्पित करना है और उन्हीं के उत्थान के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यस बिल्कुल सही, इसलिए वही चुना। बिल्कुल सही, क्योंकि हम औरतों के ही क्षेत्र में काम करना चाहते थे। एक साल हमने जो हाउस पोस्ट थी वो बॉम्बे में मसीना हॉस्पिटल में की, उसके बाद नागपुर आके एमडी की डिग्री ली हमने, उसके बाद फिर से हम बॉम्बे चले गए थे अपना और एक्सपीरियंस, हाँ जी, अनुभव लेने के लिए हम बॉम्बे चले गए। वहीं पे हमारी शादी हुई। 5 साल हम जेजे हॉस्पिटल में लेक्चरर के पोस्ट पे काम किए, वहाँ से सारी नई नई तकनीकियाँ सीखे, सारा नए ऑपरेशन सीखे। तो उसी क्षेत्र में आपने सारी लेटेस्ट पढ़ाई वो की? हाँ जी, आगे की ट्रेनिंग बोलो, अनुभव बोलो, वो लेक्चरर के पोस्ट पे रह के किया। सोनोग्राफी का ट्रेनिंग किया, वहाँ हमने लैप्रोस्कोपी का ट्रेनिंग किया। सारी एडवांस ट्रेनिंग लेने के बाद हमें लगा कि नहीं, हमने अभी नागपुर के ही मरीजों को इसका फायदा देना चाहिए, हमारी विदर्भ की जनता को ये सारे नए टेक्निक्स का फायदा होना चाहिए। से ही प्रचार करना चाहिए। हम तो 0 माइल में है ना, हम तो बिल्कुल मध्य में रहते हैं। तो हम चाहते थे कि हम अपने ही एरिया के मरीजों की सेवा कर सके, इसलिए फिर 96 में हम लोग वापस नागपुर आ गए और हमने यहाँ अपना। हम इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे से बातचीत जारी है, जानेंगे किस प्रकार से उनका पहला हॉस्पिटल शुरू हुआ नागपुर में, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंदर भी नहीं आते थे, अंदर भी नहीं आते थे, महिलाओं को अकेला छोड़ के आप चले जाते थे, जो करना है कर लो। ये क्या बात, पर ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि शिक्षा के साथ में अभी जो हमारे पुरुषों की मनस्थिति है वो थोड़ी बदल रही है, वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं नागपुर के डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे से। मैम ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हुई, किस प्रकार से आपका पढ़ाई का सफर शुरू हुआ, माता पिता का विरोध, परिवार का विरोध, पर फिर भी आप एक अच्छी डॉक्टर बनी। आपकी शिक्षा आपने ली यहाँ, वहाँ से मुंबई गई, वहाँ आपने प्रैक्टिस की, शादी हुई, फिर वापस आप जैसे बता रही थी कि आप नागपुर आए, फिर नागपुर में आपने पहला हॉस्पिटल कहाँ शुरू किया? नागपुर में पहला हॉस्पिटल हमने, हमारा घर था हनुमान नगर में, वहीं पे शुरू किया, क्योंकि जैसा जब हम लेक्चरर के पोस्ट पे थे उस टाइम पे लेक्चरर की सैलरी होती थी 4,500 रुपये। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि 4,500 रुपये में हम लोग 5 साल काम किए, उसके बाद नागपुर आ रहे हैं तो पैसा तो था नहीं कि कहीं अच्छी जगह पे आप हॉस्पिटल खरीद लो या बहुत लेटेस्ट मशीनें लेकर डाल लो, तो जमा पूंजी थी नहीं। कैसे तो भी बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत लोन लेकर हमने नई मशीनें खरीदी और जो घर में ही था वहीं पर हमारे छोटे से हॉस्पिटल की हमने शुरुआत की। मैम जैसे कि आपका इंटरेस्ट रहा है कि इनफर्टाइल कपल्स, मतलब ये जो जिनको प्रसूति गर्भधारणा नहीं होती है उन कपल्स के लिए आप काम करती हैं, प्रसूति शास्त्र में आप काम करती हैं, पर भारत में ऐसा देखा जाता है कि अगर महिला को गर्भधारणा नहीं होती है तो समाज उन्हें बहुत ही बुरी नज़र से देखता है, बांझ के रूप में उनको प्रताड़ित करता है। तो उन परिवारों तक आपने ये नोबल थॉट कैसे लाया कि ये भी एक मार्ग है जिससे आप संतति धारणा कर सकती है या फिर गर्भधारणा कर सकती है, तो फिर वो परिवारों का मत परिवर्तन आपने कैसे किया? विप्लव उसके लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि हमारे जो भारतीय दंपत्ति होते हैं उनका माइंडसेट बहुत अलग है। हमारी जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें सारे डिसीजंस पुरुष ही लेता है और हर गलती के लिए स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। तो अगर उसे बच्चा नहीं हो रहा है तो भी उसमें स्त्री ही दोषी मानी जाती पहला है। पहला शक तो औरतों पे ही होता है कि उनका ही दोष है कि नहीं हो रहा है। सास उनको हर बार प्रताड़ित करते हैं कि मुझे पोता नहीं देखने मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, पर तुम्हारे बेटे में भी दोष हो सकता है, ये सोच ही नहीं पाते। ये पहले तो बिल्कुल नहीं सोचते थे, अभी हमें खुद को प्रैक्टिस करते हुए 25 साल हो गए हैं, तो वो जो जमाना था हमने देखा है कि पुरुष आता ही नहीं था, जो भी करना है मैडम आप ये इसका कर लो, इसमें जो प्रॉब्लम है आप दुरुस्त कर लो, मुझ में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो वो बेसिक से बेसिक टेस्ट भी अपनी नहीं करवाते थे, अंदर भी नहीं आते थे, अंदर भी नहीं आते थे, और अकेला छोड़ के आप चले जाते थे, जो करना है कर लो। ये क्या बात, पर ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि समय के साथ में, शिक्षा के साथ में अभी जो हमारे पुरुषों की मनस्थिति है वो थोड़ी बदल रही है, वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं 50% प्रॉब्लम जो है वो हम में भी हो सकता है। अभी वो अंदर आते हैं, डिस्कस करते हैं, अपना भी चेकअप करवाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा चेंज जो है वो हम देख रहे हैं समाज में। फिर उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती थी, मतलब आपको एक कुछ आप बताना चाहें ऐसा कोई वाक्य कि जिसमें आपको बहुत परेशानियाँ हुई होगी या फिर कुछ ऐसा अलग सी चीज़ जो देखने मिलेगी उस वक्त पेशेंट्स के दौरान? नहीं, जो पेशेंट्स के दौरान जो है वो हर डॉक्टर के अपने अपने बहुत सारे अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं जो पेशेंट्स के साथ में आते हैं, वो मीडिया के सामने शेयर करना उचित नहीं है,
पर उस वक्त उन लोगों के साथ में एक अलग प्रकार की काउंसलिंग करनी पड़ती थी, अलग ढंग से उनको समझाना पड़ता था, सास को बुलाओ, इसको बुलाओ, पति को बुलाओ, तो बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, परिवारों को भी इन्वॉल्व करना पड़ता था, क्योंकि हमारा तो समाज ऐसा है कि सिर्फ पति पत्नी ही परिवार है ऐसा नहीं है, अभी भी सास भी आएगी, ननद भी आएगा, देवर भी आएगा और फ्रेंड सर्कल भी आएगा, जहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आप देखोगे कि उसके ऑफिस के लोग भी आके डॉक्टर से मिलना चाहेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो मैडम, क्या प्रॉब्लम है, आपने ये ऐसी चीज़ क्यों बताई है। तो हमारा तो पूरा परिवार ही मिलकर डिसीजन लेता है, जो हमारे फॉरेन पेशेंट्स होते हैं वो सिर्फ अकेले आते हैं चैम्बर में और अकेले डिस्कस करते हैं, उनको प्राइवेसी बहुत मायने रखती है, वो अपनी केस किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते। पर हम इंडियंस उसके एकदम विपरीत है, हम पूरा परिवार मिलकर डिसाइड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए और डॉक्टर ने जो बताया वो करना है कि नहीं करना है। तो डिसीजन मेकर्स बहुत सारे होते बहुत सारे हैं, बहुत सारे होते हैं, तो फिर मैम उनको सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है आपको, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से रोल भी निभा रहे थे काउंसलर का। और मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे कारण किसी के परिवार में खुशियां आए, हमारे कारण अगर किसी स्त्री को घर में तकलीफ ना हो तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं श्रीखंडे हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने ये 3 सालों में मैडम और सर से अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, जो बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं पेशेंट को और बहुत अच्छी इनफर्टिलिटी के लिए तो काफ़ी बेस्ट है। हर एक निसंतान दंपत्ति को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, जब भी किसी को प्रॉब्लम हो या कुछ हो जो श्रीखंडे मैडम या श्रीखंडे सर से ट्रीट कराना चाहते हो वो अवश्य यहाँ आए और ट्रीटमेंट ले अपना। मैम फिर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ रही थी उस साल से, जैसे 25 साल से आप ये क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो टेस्ट टू बेबी भी जहाँ तक वो एक नया प्रणाली भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको तकलीफ हुई? क्योंकि ये सब क्षेत्र में हमें बहुत रुझान था कि हमें निसंतान दंपतियों के लिए बहुत काम करना था, तो 25 साल पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब नागपुर में नहीं था और हमारी अपनी प्रैक्टिस भी नहीं था, तब सिर्फ IUI तक ही लिमिटेड था। धीरे धीरे हमने उसी क्षेत्र में अपनी एडवांस ट्रेनिंग ली, स्किल्स डेवलप की, हम लोग जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी गए थे अमेरिका, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए और फिर हमने हमारे प्रैक्टिस में IVF, ICSI जो अभी लेटेस्ट चलता है, TISA, PISA, सरोगेसी, एक डोनर, जितनी भी वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हो सकती हैं निसंतान दंपत्तियों के लिए, वो सारी की सारी सुविधाएँ हमने नागपुर में अवेलेबल की, जो अपने यहाँ भी अभी उपलब्ध है, और सारे खुद उसमें मास्टरी की, हाँ जी, ऐसा कह सकते। सारे ट्रेनिंग ली हमने और अभी किसी भी निसंतान दंपत्ति को नागपुर के बाहर जाकर उपचार कराने की जरूरत नहीं है। मैम फिर हनुमान नगर में जहाँ आपका ये था संसार, वहाँ भी चल ही रहा था और हॉस्पिटल भी था आपका, तो फिर वहाँ से यहाँ तक जो आपका नया हॉस्पिटल यहाँ है कांग्रेस नगर में, तो फिर यहाँ कैसे आया, क्या यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आपने लाई? वहाँ पर हमें वो हॉस्पिटल छोटा पड़ रहा था, जैसे नई टेक्निक के हिसाब से आपको जो एक नई सुविधा चाहिए, एक नया अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, वो एम्बियंस भी वहाँ पर नहीं था। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पैसा जमा कर लोन लेकर नया हॉस्पिटल बनाया और 2010 में फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। यहाँ पर हम लोग अपने IVF लैब जो बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, वो हमने यहाँ शुरू किया क्योंकि वहाँ पर लैब डालने के लिए भी जगह नहीं थी। तो ये जितनी भी नई सुविधाएं उपलब्ध कराई है ये हमारे जो नया हॉस्पिटल है कांग्रेस नगर में इसमें है। तो यहाँ पर वहाँ से यहाँ तक का सफर, मतलब जहाँ तक आप MD करने गई मुंबई में थी, तो आपके हस्बैंड वो भी डॉक्टर हैं पेशे से, हाँ जी, उन्होंने किस प्रकार से आपको सहाया था, कि वो किस प्रकार से आपको हेल्प करते थे? बोल सकते हैं कि वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, उनके तो सहयोग के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, उनका तो कदम से कदम पर हमें साथ दिया उन्होंने, आगे पीछे से भी बहुत बढ़ावा दिया, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस में ही नहीं, हमारा तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत काम है। मैं अपने जो अखिल भारतीय स्त्री रोग व प्रसूति शास्त्र संगठन है FOCSI, उसकी लास्ट ईयर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी, तो हर क्षेत्र में, प्रैक्टिस में बोलो, घर में बोलो, सामाजिक कार्यों में बोले, हमारे पति का तो बहुत ज़्यादा सहयोग है, उसके बिना तो आगे कर ही नहीं सकते। मैं डॉक्टर अनिल श्रीखंडे MBBS, MS, MCH, MCH यूरोलॉजी करते समय डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे मेरी वाइफ, उनको बम्बई में मिला था, उसको समाज सेवा की तब से बहुत इच्छा थी और हमारा डॉक्टर का पेशा रहने के कारण हमको भी समाज सेवा करने की पहले से इच्छा थी, इसलिए हमने डॉक्टरी पेशा लिया था और दोनों हम सब पर साथ, दोनों विचारों के हम सब पर साथ मिले तो ये समाज सेवा का कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो आपको मतलब प्रेरित करते हैं कि और भी करें, जितना हो सके उतना डिवोटेडली काम करने को उनको हेल्प भी करते रहे। बिल्कुल, क्योंकि पीछे से तो घर वही देखते हैं ना। आपके बाद वही घर संभालते। मैम इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखते हैं।
दर्शकों कहीं जाइएगा मत, डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे इनसे बातचीत जारी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोगेसी हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि जैसा चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाया गया था, सरोगेसी वैसी नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जिसको हम लोग ICMR गाइडलाइंस बोलते हैं, जो हर IVF सेंटर के लिए बाइंडिंग है। सरोगेसी कौन कर सकता है? ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे से। मैम, ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बचपन बताया, आपका यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस प्रकार से बना वो आपने हमें बताया मैम। पर जैसे कि मैं भी कई बार देखता हूँ कि स्त्रियों में कमियाँ ऐसे बताया जाता है, तो उनके लिए तो बहुत सी टेक्निक्स है, पर कई पुरुषों में भी कमियाँ होती है जिन प्रकार जिनसे गर्भधारणा नहीं होती है, तो उन पुरुषों के लिए भी यहाँ पर कुछ आप अवेलेबल करवाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी अभी पुरुषों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि भाई 50% कारण हमारे जंतु में यानी शुक्राणु में भी हो सकता है। तो अगर शुक्राणुओं का प्रमाण कम है, बहुत कम है, तो उसके लिए ICSI नाम की नई टेक्निक है। ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये टेस्ट ट्यूब बेबी का ही एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें अगर आपके जो शुक्राणु का काउंट है वो 10 मिलियन से कम है, तो जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो ICSI माइक्रो मैनिपुलेटर नाम की एक मैग्नीफाइड सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें एक स्पर्म एक एग के अंदर जाके फर्टिलाइज करते हैं। ये इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर होती है, इसको ICSI कहते हैं। अगर किसी में शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं है तो भी उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यानी शुक्राणु नहीं है तो उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो वो शुक्राणु बन रहे हैं पर सीमन सैंपल में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग टेस्टिकुलर बायोप्सी करके देखते हैं। अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी में हमें लगे कि स्पर्म्स हैं, तो उनकी TISA नाम की प्रोसीजर होती है, यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, जिसमें हम लोग टेस्टिस में जाके वो सारे स्पर्म्स निकालते हैं और IVF टेक्निक के द्वारा ये निसंतान दंपत्ति को अपने ही शुक्राणु के द्वारा अपनी खुद की संतान प्राप्ति हो सकती है। क्या बात है। और अगर उन्हें ऐसा लगे कि टेस्टिकुलर बायोप्सी में इनके शुक्राणु नहीं है, तो फिर इन लोगों को हम लोग जैसा विकी डोनर पिक्चर स्टाइल में स्पर्म डोनर जो बोलते हैं, यानी IUI स्पर्म डोनर के द्वारा करते हैं, उसकी सुविधा भी उन्हें उपलब्ध होती है। तो पुरुषों में कारण कोई भी हो, साइंस की मदद से उन्हें अपनी संतान प्राप्ति हो सकती है। बहुत ही अच्छी बात है कि साइंस इतना भी मतलब टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है कि ऐसा भी हो सकता है। मैम, पर अभी जैसे कि देखने को मिल रहा है कई चित्रपटों की, जैसे आपने बात की फिल्मों की, तो सरोगसी ये एक विषय भी आजकल समाज में सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए कि ये किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है? सरोगेसी हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि जैसा चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाया गया था, सरोगेसी वैसी नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, जिसको हम लोग ICMR गाइडलाइंस बोलते हैं, जो हर IVF सेंटर के लिए बाइंडिंग है। सरोगेसी कौन कर सकता है? ऐसी स्त्री जिसे कोई भी कारणवश बच्चेदानी नहीं है, ये या तो जन्मजात नहीं हो सकती है, या किसी कारणवश निकालने में आ गई है उनमें सरोगेसी लगती है, या किसी कारणवश वो 9 महीने पेट में बच्चे को नहीं रख सकती है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उसे, तभी तो इस कारण वो सरोगेसी के लिए आती है। सरोगेसी में स्त्री के खुद के स्त्रीबीज होते हैं, जो हम लोग तैयार करते हैं, उसकी बॉडी के बाहर लेते हैं, उसके हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में उसका भ्रूण तैयार करते हैं, एम्ब्रियो, और ये जो भ्रूण है ये तीसरे औरत के गर्भ में, यानी जो किराए की कोख आप अपनी सादी भाषा में बोलते हो, 9 महीने आप एक लीगल एग्रीमेंट तैयार करते हो, ये रेडी किया हुआ भ्रूण उस महिला के गर्भाशय में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, रोपण करते हैं, इसको सरोगेसी बोलते हैं। और ये एक वरदान है ऐसी महिलाओं के लिए कि जो बच्चेदानी न होते हुए भी खुद का बच्चा पा सकती है, क्योंकि 100% जेनेटिक मटेरियल इनका अपना है, क्योंकि स्त्री बीज उसके हैं, शुक्राणु उसके हस्बैंड के हैं, वो कमी दूसरी महिला से वो पूरी कर रही हैं। बच्चा जैसे ही जन्म को आता है वैसे ही इनको सौंप दिया जाता है, इमीडिएटली इनको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो फिर मैम ये तो बहुत ही अच्छी बात है उन परिवारों तक। हाँ, आप तो मैम सरोगेसी आपके यहाँ भी होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, हमारे यहाँ होती है। मतलब एक पूरी तरह से जितने भी हेल्प हो सके इनफर्टाइल कपल्स के लिए, फैमिलीज के लिए, आप वो सारी चीजें यहाँ पर देती है। बिल्कुल। तो मैम अभी तक फिर आप कितने परिवारों तक पहुँची हैं, मतलब ये खुशियाँ फैला चुकी है अब तक? विप्लव कभी ऐसा गिना नहीं, 25 साल से हम यही काम कर रहे हैं, क्योंकि नागपुर में अभी कर रहे हैं, और मीन्स हजारों ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोगों ने ये संतान सुख दिया है, हमें इसकी बहुत खुशी है। हाँ जी बिल्कुल, उनकी तो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए ही, उनके ही ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम जो हैं।
उनके ही वजह से इतनी तरक्की हुई है। जरूर मैम। मैम फिर आप सोशल वर्क भी आप करते हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इन्होंने ही महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन करके रखा है, तो उसी वजह से आज सभी कल्चर्स या फिर सभी कास्ट की महिलाएं घर से बाहर आ रही है, पढ़ पा रही है। तो उन्होंने एक और बात कही है कि 20% अपना सोशल वर्क में देना चाहिए। तो आप तो वैसे 100% कर रही है सोशल लाइफ के लिए, अपना व्यवसाय आपने एक नोबल कॉज चूज कर चुके हैं आप, तो फिर मैम आप क्या करती हो सोशल वर्क के लिए? इसके अलावा भी हम बहुत करते हैं। सबसे पहला तो जो हमारा सोशल सर्विस में जो पैशनेट सब्जेक्ट है वो है एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन। स्कूल्स में जाके हम स्कूल में लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि भाई अगर आप गरीब हैं इसलिए आप पढ़ नहीं पा रही हैं, ये गलत है, क्योंकि हमने खुद ने इतनी गरीबी देख के आज जो मुकाम हासिल किया है। आप में हौसला होना चाहिए, आप में कहीं एक मुकाम हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन, उसमें पूरा लड़कियों का मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएँ जैसे रोटरी है, इनर व्हील है, इसमें जाके हम स्त्रियों के स्वास्थ्य के बारे में उनके साथ में चर्चा सत्र लेते हैं। तीसरा, निसंतान दंपतियों के लिए हमारे यहीं हम लोग हर 4 से 6 हफ्ते में एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा अपना फेमिकेयर फाउंडेशन है जिसके माध्यम से हम विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप हमारे कैंप में आके देखेंगे तो इतने गरीब गरीब दंपत्ति आते हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं होते हैं, पर अपनी संतान तो हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है, हर कोई चाहता। तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से उनकी जो भी मदद कर सकते हैं वो हम अपने कैंप के द्वारा उनकी मदद करते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, और भी वो प्रोजेक्ट आगे बढ़े। मैम फिर आप अपने इस हॉस्पिटल में कितने लोगों को रोजगार दे रही हैं अभी फिलहाल? अभी तो हमारा जो स्टाफ है 35 से 40 लोगों का यहाँ पर स्टाफ है। 35 से 40 परिवारों तक आप डायरेक्ट रोजगार भी दे रही है, इतने परिवारों तक आप खुशियाँ भी फैला रही है। मैम जैसे कि आप बढ़ के आई हैं एक एजुकेशन से, शिद्दत थी आप में, लगन थी कि मुझे पढ़ना ही है, और उसी ने आपको आज एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना दिया है और एक नोबल कॉज के लिए आप लड़ रही हैं, आप अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी है। पर ऐसी कई महिलाएं हैं, कई पुरुष भी हैं जिन्हें वो गाइडेंस नहीं मिलता, जैसे जिस प्रकार से लोग आपको मिल रहे जिन्होंने आपको हेल्प की हर बार पढ़ाई को आपको कंटिन्यू करने के लिए। तो आप उन युवकों को, उन महिलाओं को जिन तक ये सब नहीं पहुंच पा रहा है, कोई गाइडेंस उन्हें नहीं कर रहा है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे इन चैनल की तरफ? हम तो यही संदेश देना चाहिए कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर आपके हौसले बुलंद है तो जो इंग्लिश में बहते कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रास्ते अपने आप बंद जाते हैं। अगर आप ही कुछ नहीं करना चाहेंगे, जैसे आजकल की लड़कियाँ हैं सिर्फ टीवी देखना चाहती हैं या सिर्फ पार्टियाँ करनी चाहती हैं, तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। तो आपके हौसले बुलंद हो। दूसरा, हम जो बाकी समाज को एक संदेशा देना चाहते हैं वो है बेटी बचाओ का। अभी भी हमारे पास इतने लोग आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने आकर बैठते हैं और धीरे से बोलते हैं, मैडम लड़का होने के लिए कुछ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। लड़कियों को समाज में इक्वल दर्जा अभी भी नहीं है, जो मिले, और वो कैसे मिलेगा, वो एजुकेशन के द्वारा ही मिलेगा। समाज का माइंडसेट जो बोलते हैं वो चेंज होना चाहिए कि औरतें पुरुषों से कम नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आगे हैं, पर कम से कम उन्हें आप इक्वल दर्जा दें। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर घर में भाई और बहन है तो भाई को सारी फैसिलिटीज दी जाती है, बहन को नहीं दी जाती है, तो वो भी बंद होना चाहिए। माता पिता ने अपने लड़के और लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़की को कम से कम शिक्षा के तो समान अवसर जरूर दें ताकि वो शिक्षित हो जाए, तो अपने पैर पे अपने आप खड़े हो जाए। क्योंकि हमने खुद ने इंटर्नशिप में जो हमें 400 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, उसके बाद हमने हमारे माता पिता से आज तक कभी एक पैसा नहीं लिया है। तो उसका जो हमें समाधान है कि हम हमारे पिता पर आर्थिक बोझ नहीं है। तो सेव द गर्ल चाइल्ड, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए, और हर लड़की में एक हौसला बुलंदी होना चाहिए कि हम कुछ बने और कुछ करके दिखाएं। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर भी लगता है किसी भी निसंतान दंपत्ति को या किसी भी परिवार को या किसी भी लड़की को कि नहीं हमें कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है या हमें कुछ भी किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में आपके लिए सदैव तत्पर हैं। आप आइए, हमारे हॉस्पिटल का नंबर लीजिए और आकर हमसे मिलिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी भी रूप में आपके किसी भी काम आ सकूं, और मेरी वजह से अगर आपका अपने जीवन में कोई भी उन्नति होती है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिजनेस टॉक में और आपने हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताई। दर्शकों, ये थे डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, MBBS हुई, वे MD हुई, उसके बाद उन्होंने निसंतान माता पिताओं के जीवन में खुशहाली लाने का काम वे अपने इस हॉस्पिटल से करिए और आजीवन करते भी रहेंगे। ऐसे ही एक आइडल महिला से, एक आइडल उद्योजक से हम आपको अगले एपिसोड में भी रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, ये सफर है जीरो से हीरो तक का। एंड हाँ, सेव द गर्ल्स, सेव द वर्ल्ड।